महाभारत में अर्जुन से एक बात सीखने लायक है, वो ये कि अर्जुन श्री कृष्ण से राय लेता था और उस राय पर अमल करता था, क्योंकि करना उसी को था, युद्ध तो उसी को करना था, रण क्षेत्र में धनुष बाण लेकर के तीर कमान लेकर के युद्ध उसे ही करना था। अगर वो युद्ध नहीं करता, अगर उसे हथियार चलाना नहीं आता, उसमें कौशल नहीं होता, उसमें सीखने का हुनर नहीं होता, तो कृष्ण की राय का कोई मतलब नहीं। कहना यह चाहता हूं कि कोई आपको खेलना सिखा सकता है, खेलना तो आपको ही पड़ेगा। कोई आपको गाने गाना सिखा सकता है, गाना तो आपको ही पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले खुद को तैयार करिए सीखने के लिए और फिर उस पर काम करने के लिए। और यह बात आप गठार बांध कर रख लीजिए कि लड़ना आपको ही है, करना आपको ही है। जो चीजें आपको बताई जाएगी, जो चीजें आप सीखेंगे अपने चारों तरफ से, खुद से, वो सारी चीजें तब आपके लिए फायदेमंद होगी, तब आपके लिए काम करेगी, जब आप उस पर अमल करेंगे और उस पर काम करने की कोशिश करेंगे, उसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे। कभी भी ज्ञान सुन करके आप अपने आप में परिवर्तन नहीं ला सकते जब तक उस ज्ञान को आप उस तरीके से आगे ना बढ़ाएं। इसलिए बिना संकोच के अच्छी राय में रहिए, अच्छी संगति में रहिए और वहां से जो सीखिए उस पर काम करिए। याद रखिए, कोई भी विचार ऐसे ही आगे बढ़ता है। जब कोई भी विचार हमारे पास आता है, हम उस पर काम करते हैं और आगे वही एक विचार, एक नए विचार को जन्म देता है और उस तरह के ये विचार बढ़ते 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 एक विशाल काय विचार का निर्माण करते हैं, एक विशाल काय स्वप्न सामने स्थापित होता है। तो सबसे पहले अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप राय लीजिए, आप सीखिए अपने चारों तरफ से जो आपके सपनों के लिए जरूरी है और उस पर काम करिए, क्योंकि बिना किए कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं।